और ये अखरोट मुझे आंटी ने दिए जिनके मेरे ख्याल से हस्बैंड ऊपर से। वो तो बंद हो रहा है, कितने बजे? ये जी अजरबैजानी डिश है, इसको कहते हैं चिकन साज। न्यू किंग ऑफ शेकी। द नॉर्वेजियन मिथोलॉजी स्टार्टेड विद द गॉड नेम्ड ओडिन। अगर आपने वाइकिंग सीजन देखा है तो आपको इस नाम से बहुत फैमिलियर हो। गुड मॉर्निंग, नो एक्चुअली गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और वी आर इन शेकी राइट नाउ। वी जस्ट केम हेयर लाइक 10 मिनट्स अगो। फर्स्ट वी बुक्ड अनदर होटल, वी वेंट देयर एंड वी डिडंट लाइक इट, इट वॉज नॉट वेरी नाइस। सो नाउ वी केम टू अनदर होटल, वी टुक बोल्ट एज जिसको जो इज वन मनाथ एंड देन वी केम हेयर एंड वी बुक्ड अ रूम हेयर एंड दिस प्लेस लुक्स रियली नाइस। ऑल्दो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट बिट ओवर आवर बजट, बट इट्स फाइन बिकॉज द प्लेस इज रियली नाइस एंड इट्स जस्ट ऑन द साइड एंड यू नो विद बिट पीसफुल वाइब। So that's what I'm liking. I'll show you the place. My bags are still here. Adi is just checking in and that is our room. So this is the place. Very beautiful. These rooms are under renovation. These are like family suites. So we have this, this and these two options. And we booked that one because there isn't much difference. The room is upstairs and the balconies are like together, so it doesn't matter if we take that room or this room. So we just took that. By the way, the name of the place is F Garden. Sounds a bit fishy, but F Garden is the name. And we decided to change our room from that one to this one because I just thought that it's better. It has a sitting outside. Tour. It's room tour time. This is the door from where you enter the cabin. And then there's stairs. Our bags are just there. We'll just keep the bags there. We don't want to take them upstairs. This is the room. Not very windowy. There's a small for my bag. This is the washroom with shower and then we have balcony with the view. With some pretty flowers. This is the view. We're going to the supermarket to get some stuff. That blue board, that's the market. We're just walking towards it. It's not a very big market, so maybe we will have to go to the center. And I think there we can either walk for like 20 minutes, otherwise we'll take Bolt. Also, we have some company. मार्केट से मैंने मरिंडा लिए है और ये अखरोट मुझे आंटी ने दिए जिनके मेरे ख्याल से हस्बैंड ऊपर से तोड़े तो मैं गुजर रही थी, उन्होंने कहा अपनी लैंग्वेज में कुछ, तो मैंने उन्हें समझ नहीं आया, तो फिर वो गई और उन्होंने मुझे ला के दे दिए। है क्या अखरोट है? मुझे पता भी नहीं है। Wrong choice of shoes, Aisha. Again. ये है जी इनका शाही किला। This is शकी पैलेस। वो तो बंद हो रहा है। कितने बजे?
छः बजे चलो फिर वो इधर हाँ ये 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 जी अजरबैजानी डिश है, इसको कहते हैं चिकन साज। दिस इज चिकन साज और ये साथ में ब्रेड है, और हमने रूम में सर्विस कराई है बिकॉज वी वर टायर्ड, तो अभी हम रूम में ही खाना खाएंगे आज। डे टू इन शेकी। कल हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस आए, और जब हम आए तो थोड़ा लेट हो गया था, तो सारी जो भी जगह वो बंद हो गई थी। तो अभी हम लोग उठे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, और ये नाश्ता है हमारा। नाश्ता हमारे होटल में ही इंक्लूडेड था, तो नाश्ता करके फिर हम जाने लगे हैं ओल्ड टाउन शेकी। ये है जी अज़रबैजान का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेड, जैम, हनी, ये सारी चीज़ें आती हैं, एंड आई लव्ड इट। उसके बाद हमने अपने होटल को बाय बाय बोल दिया, क्योंकि हम लोगों ने एक और रात चेक की नहीं रुकना, तो हमने सोचा फ़ायदा नहीं है एक और रात लेने का। और फिर हमने जो अपना लगेज है ना, वो हमने रिसेप्शन पे रखवा दिया, और ख़ुद हम लोग निकल गए ओल्ड टाउन शेकी की तरफ, जहाँ पे हम कल भी गए थे लेकिन सब कुछ पहले ही बंद हो चुका हुआ था। तो फिर हमने दोबारा गए, सबसे पहले हम लोग गए विंटर पैलेस पे। विंटर पैलेस आई जस्ट लव्ड इट। यहाँ पे ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। सीन ये था कि जो शेकी का जो था ना, शेकी खान, किंग जो है, प्रिंस जो भी बोलो आप, वो लोग विंटर में आकर यहाँ पे स्टे किया करते थे, वो और उसके जितने भी आगे पीछे के लोग, उसकी बीवी, सब लोग यहाँ पे आके स्टे किया करते थे। और ये पैलेस अंदर से बहुत प्यारी थी, मैंने अंदर से टूर भी लिया, लेकिन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इंटरनेट से कुछ फ़ोटोज़ निकाली हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कितना खूबसूरत था। ये जो आप लोग विंडोज़ देख रहे हैं ना, ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती थी, इतनी खूबसूरत और इतना बारीकी से काम हुआ हुआ, बहुत ही खूबसूरत। लाइक आई वॉज इम्प्रेस्ड, इट इज़ टोटली वर्थ इट। और उसके बाद हम लोग जी निकल गए दूसरे समर पैलेस की तरफ, जो कि एक जो इनका शाही किला बना हुआ है उसी के बीच में आती है समर पैलेस, चर्च आता है और कुछ और चीज़ें आती हैं। हम लोग वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोग चल के ही चले गए। और ये किले की सारी बाउंड्री लाइन है, जिसके अंदर ओल्ड टाउन शेकी भी आता है और इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आती हैं। ये जी वहाँ से चलने के, जब हम एंटर होते हैं तो इस तरह के कुछ सीन आते हैं। यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड के लिए भी बना हुआ, जहाँ से आप पूछ सकते हो कि हमने यहाँ जाना, ये करना है। और थोड़ा सा वॉक करते करते हम लोग जो है ना, वो सबसे पहले हम लोग ये शेकी पैलेस पे, जिसको समर पैलेस भी कहते हैं, जहाँ पे वो जो शेकी था वो समर में रहा करता था, तो ज़्यादातर टाइम उनका यही गुजरता था। ये बिगेस्ट पैलेस थी, तो और भी सब कुछ चीज़ें थी इसके बीच में। ये है जी शेकी पैलेस की एंट्रेंस, और जो पैलेस है इट्स आल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ शेकी खान्स, क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे वो खान हुआ करते थे, और ये पैलेस बनी थी 1797 में। और उसके बाद जब रशियंस और पर्शियन की वॉर हुई थी, उसके बाद जो शेकीज़ हैं, जो शेकी खान थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जाना भी अलाउड, मतलब जाना अलाउड था, टूर मैंने लिया था, लेकिन इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं था। तो अगेन मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती, बट जैसे विंटर पैलेस खूबसूरत थी वैसे ही ये खूबसूरत थी, बट मुझे पर्सनली विंटर पैलेस ज़्यादा खूबसूरत लगी। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ये जो बंदा फ़ोन कर रहा है, इससे हमें कहा कि हमें बस का पता करके दो कि यहाँ से नेक्स्ट सिटी में बस कितने बजे जाएगी, तो ये हमारे लिए वो पता कर रहा था। उसके बाद साथ में ही पीछे गार्डन था, और यहाँ वहाँ पर ना एक ये आर्ट का बहुत प्यारा ये टाइल्स वगैरह मिलती थी। ये जो टाइल्स हैं, ये इनके मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने बनाई हुई थी। ये एक किस्म का आर्ट इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे अंदर तरह तरह की जो आर्ट है ना वो बनाते थे, स्टिचिंग वगैरह और ये टाइल्स। यहाँ पे एक सुवेनर की शॉप थी जो कि क्लोज थी, नहीं तो मैं यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेती। हम यहाँ पे बैठे, थोड़ा पीसफुल माहौल था, ये एक डॉगी आ गया हमारे पास बहुत क्यूट सा, तो वी जस्ट स्पेंड सम टाइम हेयर। और हम लोग वेट कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स ने आना था और फिर हमने उनके साथ आगे जाना था, लेकिन मेरे ख्याल से उनको टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम इधर ही चल के ना सिटी एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे जो शेकी पैलेस है ना, जो ये सारा था उसके अंदर ही ये न्यू किंग ऑफ शेकी मोहम्मद आदिल, अब इस प्लेस का नाम हम आदिल पैलेस रख देंगे शेकी पैलेस से।
Muhammad Adil Palace? That's what you approve, Your Highness? Okay, you got it. अब उठो, मुझे फोटो खिंचवानी है। अब मैं किंग बन गई। मैंने इसको बोला कि आओ शेयर कर लेते हैं, कुर्सी में जगह है दो लोगों की, बट वो मेरे साथ सिंहासन शेयर नहीं करना चाहता। His wish. Now I have to get him decapitated. ये बिल्कुल उसके सामने बहुत ही खूबसूरत चर्च था, दैट इज कॉल्ड थ्री सेंट चर्च, और ये मैं विजिट करना चाहती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेनोवेशन के लिए बंद था। और ये मुझे अज़रबैजान की जो गाड़ियों का स्टाइल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसके भी काफ़ी क्लिप्स बनाई हैं। उसके बाद हम लोग पैदल ही निकल गए सिटी एक्सप्लोर करने। शेकी सिटी की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, जो शेकी है ना, ये एक बहुत पुराना सिटी है। जब सिल्क रूट होता था ना, तो उसके ऊपर ये सिटी काफ़ी प्रोमिनेंट था और बहुत बड़ा स्टॉप था ट्रेडर्स के लिए। तो इस वजह से ये सिटी, इट डेट बैक्स टू मैनी मैनी ईयर्स, और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने ईयर्स, और दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर अज़रबैजान में। मतलब हर सिटी की डिफरेंट वाइब है, और इसकी वाइब मुझे बहुत हिस्टोरिकल और कल्चर लगी। सबसे पहले हमारा उसके बाद स्टॉप था कारवन सराई। ये जो है ना, ये एक होटल होता था, अभी भी ये होटल है, अब तो ये आई थिंक 5-star होटल है। और तब जो होता था ना, सिल्क रूट का ज़माना, तो लोग यहाँ पे आके, जितने भी ट्रेडर्स थे ना, इधर आके स्टॉप किया करते थे। और ये आप इसका इंटीरियर चेक करें, कितना खूबसूरत, ओल्ड एज का बिल्कुल वही उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, तो आप इसको विज़िट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके इसका और चीज़ें बताती हूँ, बट ये मेन स्टॉप होता था सिल्क रूट के ऊपर, जो भी लोग ट्रैवल करते थे ना उनके लिए। और यहाँ से आप थोड़ा एंटर होते हैं, और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे सारी मार्केट्स लगा करती थी, और ऊपर जो है ना रूम्स हुआ करते थे। अभी ऊपर होटल में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे आपको जाना अलाउड नहीं है, नीचे नीचे आप घूम फिर के देख सकते हो। तो ये जो नीचे था, इधर सारी मार्केट लगा करती थी, और ऊपर वो लोग स्टे किया करते थे, उनके स्टे की जगह होती थी। और व्हेन आई सी दिस, तो आई जस्ट गो बैक इनटू द हिस्ट्री, और मैं सोचती हूँ कि यार कैसे इतने सालों बाद एवरीथिंग चेंजेस, और टाइम किस तरह सब बदलता है। बट एनीवेज, मुझे ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। यहाँ पे कारवन सराय के अंदर ही ये एक विशिंग वेल है, जिसके अंदर लोगों ने कॉइन्स फेंके हुए हैं, नॉट विशिंग वेल, विशिंग फाउंटेन, जिसके अंदर लोगों ने कॉइन्स फेंके हुए हैं। और मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया, बट चलो खैर। उसके बाद उसे बाहर निकले तो साथ ही ये पूरी मार्केट है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, स्कार्फ, सुवेनियर्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। हम लोग अभी भी शेकी में हैं। पैलेस जो मैंने आपको दिखाया, उसके थोड़े से नीचे आए तो ये कैफे था, इधर ही बैठ के हम अभी, सीन ये है कि जाना था गांजा, बट वी मिस्ड आवर बस, तो फॉर्चुनेटली हमारे जो फ्रेंड मिले थे बाकू में, दे आर जस्ट कमिंग टू शेकी फ्रॉम गबाला, सो नाउ दे सेड दैट दे कैन ड्रॉप अस टू गांजा, तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे और फिर हम उनके साथ गांजा जाएंगे। बाय द वे, इस कैफ़े की वाइब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा कैफ़े है, क्यूट सा। पैलेस ऑफ शेकी के थोड़ा सा नीचे आप आओ ना, तो उधर ही है, और मैं आप लोगों को कैफ़े दिखाती हूँ। कैफ़े में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कि द चर्च ऑफ किश। और जो द चर्च ऑफ किश है, ये एक किश विलेज है, विच इज़ लाइक 5 kilometers फ्रॉम शेकी सिटी, उधर आता है। और हमने बोल्ट ही करा ली थी, क्योंकि बोल्ट बहुत चीप पड़ती है और आप इजीली बुक कर सकते हो। तो हम बोल्ट करा के विलेज की तरफ जाना शुरू हुए, और ये आप व्यूज़ चेक करें। विलेज थोड़ा पहाड़ के ऊपर था, तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये जो व्यू था ना पूरा जाने का। और उसके बाद मुझे चर्च भी बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपके जाके आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे विलेज शुरू हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी गलियाँ हैं उसकी, और पुराने स्टोन्स की वॉल्स बनी हुई हैं, सब कुछ वो वाला सिस्टम है। ये चर्च की एंट्रेंस थी, सबसे पहले हमें टिकट लेनी पड़ी, जो कि साथ ही टिकटिंग काउंटर था, वहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। लोकल्स के लिए आई थिंक टिकट 3 manat की है, और फॉरेनर्स के लिए 5 manat की, तो हमें 5 manat मतलब 10 manat की 2 tickets मिली। और ये चर्च का एक्सटीरियर है, बाकी हिस्ट्री मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ, बट
चर्च की लोकेशन बहुत प्यारी थी, और ये एंट्रेंस है और अंदर फिर उन्होंने, ये बेसिकली अब एक चर्च नहीं है, ये एक म्यूजियम है जहाँ पे उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है और पुराने पानी की आर्टिफैक्ट्स बोतल वगैरह पड़े हुए हैं। ये सारा मैंने काफ़ी टाइम लगा के पढ़ा क्योंकि मेरे जो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में उसकी वजह से, और फिर मैंने सारी चीज़ों को, मतलब मैंने काफ़ी यहाँ पर टाइम गुजारा, मैंने मेरे ख्याल से कोई 2 घंटे गुजारे अंदर, एक एक चीज़ देख के और पढ़ के और सारा समझ के कि क्या सीन है भाई, कितना पुराना है, कब का है, वो सब कुछ समझ के, जो कि मैं आगे जाके भी आपको वीडियो में बताती हूँ ज़रूर। What's that? इसमें कुछ अजरबैजान और नॉर्वे की दोस्ती के बारे में बताया कि जब 1991 में अजरबैजान बना था तो उसके बाद इनकी नॉर्वे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। 1995-1996 में नॉर्वे ने अपनी एम्बेसी खोली थी यहाँ पे। और आई थिंक इसमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं मे बी दे वर गिवन बाय नॉर्वे, आई एम नॉट श्योर। ड्यूरिंग हिज विजिट टू अजरबैजान ऑन 2 सितंबर वाइकिंग्स एमर्जेंस इन नॉर्वे एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही गॉट अ कंक्लूजन दैट रॉयल फैमिलीज ऑफ नॉर्वे केम फ्रॉम अजरबैजान। ओके अच्छा जी, तो इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि जो ये सारा इलाका है ना अजरबैजान का, इट बेसिकली ये लोग जो हैं वो जो नॉर्वे के क्या कहते हैं उनको वाइकिंग्स थे उनसे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्वेजियन मिथोलॉजी स्टार्टेड विद द गॉड नेम्ड ओडिन। अगर आपने वाइकिंग सीजन्स देखा है तो आपको इस नाम से आप बहुत फेमिलियर होंगे। फ्रॉम ओडिन इट टुक 31 जनरेशन टू रीच द फर्स्ट हिस्टोरिक किंग। द रिकॉर्ड ऑफ ओडिन सेज दैट ही केम टू नॉर्दर्न यूरोप फ्रॉम द लैंड ऑफ अजर। और क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को अजरी बुलाते हैं तो दे बिलीव के जो लैंड ऑफ अजर है वो यही लैंड है। स्नोर हु रिकॉर्डेड दिस स्टोरी सेड दैट द होमलैंड ऑफ द अजर्स वर ईस्ट ऑफ द ब्लैक सी, साउथ ऑफ अ लार्ज माउंटेन रेंज ऑफ द बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया एंड एक्सटेंडेड साउथवर्ड्स टूवर्ड द लैंड ऑफ तुर्क्स, मतलब कि ये जो इलाका है वो। एंड स्नोर सेड व्हेन ओडिन लर्न दैट द रोमन्स वर कमिंग टूवर्ड्स द लैंड ऑफ अजर्स ही डिसाइडेड दैट इट वॉज बेस्ट फॉर हिम टू टेक हिज प्रीस्ट चीफ्स एंड सम ऑफ पीपल एंड मूव टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप लाइक नॉर्वे, जहाँ पे अभी नॉर्वे सिचुएटेड है। ओडिन लेफ्ट फॉर स्कैंडिनेविया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 1st सेंचुरी AD। तो दैट मीन्स दिस प्लेस गोज बैक टू 1st सेंचुरी। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ बर्तन बुर्तन पड़े हुए हैं एट्रीब्यूटेड टू योलो कल्चर आर्क्योलॉजी मोमेंट्स मोनूमेंट्स ऑफ शाकी रीजन। ये टेबल वेयर है, टेबल का सामान है, 3rd सेंचुरी BC और 2nd सेंचुरी AD से ये शाकी के कुछ हैं, शाकी विलेज ऑफ फैजल। सो शाकी कम्स बैक टू 1st AD। ये भी कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वेसल्स डिस्कवर्ड इन जुडर शाकी 2 मिलीनियम और अर्ली 1 मिलीनियम BC में। ये जो बर्तन है ये इतने पुराने हैं, 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD। ये एक बहुत पुराना कारपेट है, ये क्या है, आर्क्योलॉजी मोमेंट्स टू शाकी, आर्क्योलॉजी मोमेंट्स ऑफ शाकी, ओके व्हाटएवर। ये भी कुछ लिखा हुआ है बस इंग्लिश है। अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सिरेमिक क्रॉकरी बोट लाइक वेसल्स जग्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स वाइट पेस एक्सकर्टेड डिशेज आर एट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉन्ज एज। ओके ये क्या, ये कप है, बूट शेप्ड पॉटरी, ओके इंटरेस्टिंग। ग्रे पॉटरी एंड ब्लैक लस्टरवेयर वेसल्स 10th to 9th CC BC। यहाँ पे एक पहले चर्च होता था, कैन यू इमेजिन कितने साल बाद। एज वन ऑफ द अल्बेनियन एपिग्राफी विच डिस्कवर्ड इन, ओके
ये बहुत पुराना लाइक अल्बेनियन चर्च का जो होता था वो इन्होंने डिस्कवर किया वो है। उधर क्या है नीचे? कल्ट, एनिमल्स कल्ट, मतलब कि यहाँ पे आई थिंक जो कुर्बानियाँ करते थे मे बी वो है, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे एनिमल्स के रिमेन्स हैं। मेरे ख्याल से ये शेल्टर होता था जिसके ऊपर कुर्बानियाँ करते थे, क्योंकि अगर आपको वाइकिंग्स का थोड़ा आइडिया है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ वगैरह करते थे। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, कुछ बहुत पुराने आई थिंक, ऐसे दिखते हैं ये कॉइन्स, मे बी दे गो बैक टू 1 सेंट इनका, आई एम नॉट श्योर क्या स्टोरी है। और ये क्या है जी? हाउस होल्ड पिचर, जिससे पानी पीते हैं वो, 3rd and 2nd century BC, शाकी के विलेज ऑफ फजल से लिया है। ये कुछ और बर्तन पड़े हुए हैं फाजल विलेज के। द आर्किटेक्ट ऑफ कोकेशियन अल्बेनिया, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ। 11th to 13th century पीरियड ऑफ, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अज़रबैजान इज़ अ कंट्री नोटेबल फॉर इट्स रिच आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज गोइंग बैक टू द टाइम आउट ऑफ माइंड। These are the architectural monuments of Caucasian Albania. A basilica in the village of Qom, 5th century Kak region. I don't know what's a basilica. This is a basilica as well, Kak region. Yedi Kilsa. Aur ye kuch pade hue hain. I like this one. Mujhe ye wala chahiye. A temple in the, I don't know how to pronounce it. I don't want to pronounce it actually. No thanks, we are good. Just walking around the temple. यहाँ पे पीछे पहाड़ों की सीनरी आ रही है, तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने शेकी में जितनी जगह विजिट की है ना, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट वन। यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, वी आर ऑल्सो सिटिंग देयर। और बस थोड़ा मौसम भी अच्छा है तो हम मौसम इन्जॉय कर रहे हैं। और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं इनका पढ़ रही थी अंदर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैं आदि को एक्सप्लेन कराई थी, तुम्हें पता है ऐसा था ऐसा था, तुम्हें पता है ये इतने साल बुला रहे, तुम्हें पता है ये कितने रिलीजन्स ने रूल किया जगह को। तो बस ये है, यहाँ से आदि ने सुवेनियर्स लिए हैं, 2 मनात का एक। हम लोगों को भूख लगी थी तो इधर पास में ही एक रेस्टोरेंट था, इस होम बेस्ड रेस्टोरेंट, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे आदि लोकल बंदे से बातें कर रहे हैं विद गूगल ट्रांसलेट से, हम बस खाने का वेट कर रहे हैं। ये जगह अच्छी है, इनके पास स्टॉल्स भी हैं, वो सिल्क है बाय करने के लिए, सुवेनर्स हैं और रेस्टोरेंट है। बेसिकली ये किसी का घर है, उन्होंने अपने घर के अंदर ये सारा सेटअप किया हुआ है, तो बस वही चेक कर रहे हैं अभी। खाना आ गया है हमारा, यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं गेम सीखने की, सो दे बोथ कैन प्ले। और मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी। Yeah.
फिर यहाँ पे मक्खियाँ बढ़ती हैं, अटैक कर देती हैं। This baby is literally kidnapping me. Ayla, let's go back home. Your family? Okay. Oh. Bye. Alena, Alena. Bye. Alena. No. Alena, Alena, tu dors. Alena, Alena. Vas-y, Alena, Alena. मेरे ख्याल से ये जो वो है ना चर्च, इसके साथ जिनका होटल है ना उन्हीं का हॉस्टल भी है। सो लाइक दैट्स लाइक 10 manat पर नाइट। तो मेरे ख्याल से वो हॉस्टल बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग अगर आएँ तो आप उधर ही रुकें। मैंने देखा नहीं है लेकिन लोगों को इंग्लिश आती है, पीपल आर बिट फ्रेंडली, सो दैट्स नाइस। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों ने अगर रहना है तो आप उधर आके रह लें शेकी में। फाइनली जी हमारी राइड आ गई है, हमारे रेस्क्यूअर्स आ गए हैं। दिस इज़ आवर राइड। उन लोगों को मैंने फोर्स करके बोला कि जाओ चर्च देख के आओ, इट्स माई फेवरेट थिंग हेयर। तो अभी वो लोग चर्च देखने गए हैं और हम लोग चर्च के बाहर बैठे हैं होमलेस। व्हाट आई लाइक एंड इज एंजॉयिंग हिज म्यूजिक। बस निकलते हैं, उसके बाद वो लोग होके आए अंदर से टूर खत्म। मुझे लगता है इतना लंबा टाइम इन्होंने लगाना नहीं था जितना मैंने फोर्स किया ना, वो हमें सेटिस्फाई करने के लिए अंदर इतना टाइम लगा रहे हैं। चलें जी, दैट इज़ इट फॉर शेकी सिटी। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट सिटी विच इज़ गांजा, जो आप मेरे अगले व्लॉग्स में देखेंगे। और सनसेट बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत सनसेट था शेकी में। गांजा में भी मैंने ट्राई किया कि ऐसा सनसेट हो, लेकिन ये सनसेट मुझे सिर्फ शेकी में ही दिखा। और उसके बाद फिर जो है हम लोग गांजा चले गए। शेकी मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप लोग ज़रूर विज़िट करें अगर आप लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। और आई थिंक 2 nights इज़ इनफ फॉर शेकी, ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए। हम लोगों ने 1 night स्टे किया क्योंकि हम लोगों को रात को ही हमने सोचा चलो ट्रैवल करके चले जाएँगे ताकि अगला दिन फिर बंदा अगला सिटी देख लेता है। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।